टुडे वी डिस्कस अबाउट आ गुड क्रॉप्स। एक अच्छी फसल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स। अच्छी और स्वस्थ फसल उगाने के लिए किसान बहुत मेहनत करते हैं। दे कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड फॉर कल्टिवेटिंग अ गुड क्रॉप। वो अपनी अच्छी फसल उगाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको माइंड में रखते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। द सॉइल शुड बी सूटेड टू द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड द एंटायर फील्ड शुड बी वेल प्लाउड सो दैट द सॉइल लूजिंग अप। तो किसान क्या करते हैं, वही मिट्टी का उपयोग करते हैं जो जिस फसल को उगाने के लिए अच्छी होती है, सूट करती है, और उसी फील्ड का यूज करते हैं जो अच्छे, जहाँ पे हमारी जो मिट्टी है वो डाल के अच्छी फसल उगाई जा सके। गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी सोन टू गेट बेटर क्रॉप्स। अच्छी किस्म का बीज ही लेंगे अगर जब फार्मर्स, तभी तो अच्छी फसल होगी। तो वो लोग गुड क्वालिटी का बीज का उपयोग करते हैं। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स एंड फर्टाइल। वो क्या करते हैं किसान, किसान अच्छी खाद डालते हैं। किस में डालते हैं, मिट्टी में, जिससे वो अधिक उपजाऊ हो सके, उसमें खनिज पदार्थ आ जाएं अच्छे से। राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी गिवन टू द क्रॉप्स एट द राइट टाइम। और सही समय पर सही मात्रा में उसमें पानी डालते हैं। प्रॉपर फेंसिंग शुड बी पुट अराउंड द फील्ड एज इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज। और वो आपने देखा होगा कि जब किसान अपनी फसल उगाते हैं तो साइड्स में इस टाइप का ये बाड़ टाइप का लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो बफेलोज हैं और काउज हैं वो हमारी फसल को बर्बाद नहीं कर सकती हैं और हमारी फसल की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आ स्केयर क्रो शुड बी पुट बिटवीन द क्रॉप्स एज इट हेल्प्स टू कीप द बर्ड्स अवे। और जो हमारी फसल होती है उसके बीच में एक ये पुतला टाइप का खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं उसे लगता है कि कोई है तो वो दूर दूर भाग जाती हैं और हमारी फसल ख़राब नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीजेज इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स। क्रॉप्स को क्या करना चाहिए हमें, अपनी फसल को रोगों से, कीड़ों मकोड़ों से और छोटे जानवरों से सुरक्षा करनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड टू किल इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ओपर, कैटरपिलर, प्लांट लाइस एंड लोकाट्स। तो क्या कह रहा है वो, कि हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, जैसे कि ग्रास ओपर, कैटरपिलर, प्लांट लाइस, इन सब से बचाने के लिए। बीट्स अनवांटेड प्लांट्स टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं अनवांटेड, जो हम उगाते भी नहीं हैं, वो उगाते हैं किसमें, मिट्टी में। किसकी हेल्प से, न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। एंड हर्ट आर क्रॉप्स इनटेक, और उसी फसल में अपनी जगह ले लेते हैं। सो दे शुड बी रिमूव्ड, इसलिए हमें उन्हें हटाना चाहिए। नेक्स्ट है, द हार्वेस्टेड क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल पेस्ट्स लाइक रैट्स, मोल्स एंड स्क्वायरल। हार्वेस्टेड क्रॉप का मीन्स होता है पकी हुई फसल। इसकी हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए नमी से, कीड़े मकोड़ों से और छोटे छोटे जीव जंतुओं से, जैसे कि रैट्स है, मोल्स है एंड स्क्वायरल है। मॉइस्चर अलाउ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। जो नमी होती है वो बैक्टीरिया को और फंगी को बढ़ाती है। एंड कैन स्पॉयल द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। जो हमारी
पकी हुई फसल को बर्बाद कर सकती है। सो दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेसेज और इन एयर टाइट कंटेनर्स। इसलिए हमें उसको सूखे स्थान पर या जिसमें हवा ना पहुंच सके ऐसे डिब्बे में बंद करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है पेरिशेबल क्रॉप्स लाइक फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स। जो खराब जल्दी ख़राब होने वाली फसलें हैं जैसे कि फूल फल सब्जियां, इनको हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं एकत्रित करके नहीं रख सकते हैं। सो दे शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट क्विकली। इसलिए उन्हें जल्दी से मार्केट में भेज दिया जाता है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।